अब हम लोग टॉपिक सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का सीख रहे हैं, मोड निकालना, मीन निकालना। हमने दो मेथड से सीख लिया, मोड का एक ही मेथड है उसको हम सीखेंगे। हाउ टू फाइंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा। आपको याद होगा बच्चों कि जब हम लोग अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ रहे थे ना, जब आप छोटी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था मोड के, जब आप लोग प्रीवियस क्लासेस में आपने मोड के बारे में पढ़ा था, तो आपने अनग्रुप डेटा को डील किया था। अनग्रुप डेटा में क्या होता है, मोड उसको कहते हैं जिस नंबर, जो ऑब्जर्वेशन बार बार फ्रीक्वेंटली अकर होती है हमारे डेटा में, यानी जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम मोड कहते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमें ऐसे अनग्रुप्ड वे में नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास है ग्रुप डेटा। तो मोड कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। क्लास और ये फ्रीक्वेंसी। क्लास हमें दी हुई है 0 to 10, फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट है 10 to 20, 20 to 40, 30 to 40 और 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और इनकी फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, ध्यान से समझिए मोड का क्वेश्चन, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है 8, 10, 10, 16, 12, 6 और 7, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी मोड का फॉर्मूला, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं उसे लिखकर उसे समझाऊंगी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मोड इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस एफ वन माइनस F0 upon 2F1 minus, देखो बुक में दिया हुआ है 2F1 minus F0 minus F2 into H. अब इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है। तो इसमें बेटा सबसे पहले L की बात करते हैं, L क्या, और ये आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, आगे जाके कंफ्यूज हो गए अदरवाइज, अभी ध्यान से सुनना। स्मॉल एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये लिखना भी आपको नोटबुक में पूरा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अच्छा, फिर ये F1 क्या होता है, तो F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। फिर ये F0 क्या है, 1 से पहले आता है ना 0, यानी मॉडल क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास, क्लास प्रीसीडिंग, बताऊंगी अभी, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। इसके बाद में आता है F2, F2 वन के बाद क्यों आता है, तो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास में फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी, हाँ हाँ, यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और बचा क्या, एच, एच होता है क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, मोड कैलकुलेट करना है, मोड निकालना है इस डेटा का, मोड कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला ये हमारे पास है। अब मैंने आपको बताया सब जगह आपने एक वर्ड सुना मॉडल क्लास, तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल क्लास क्या होती है। तो इस बहुत इजी है समझना, वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी क्लास इंटरवल को हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो बताओ इसमें से मॉडल क्लास बता सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये
फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? यस मैम। और बच्चे ध्यान दो, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी ये जो क्लास इंटरवल है ये है मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, तो वो है 32-40। ऐसे आपको पेपर में करना है, पूरा फॉर्मूला लिखकर समझा के और फिर साइड में आपको उसे एक्सप्लेन करना है कि हमारे क्वेश्चन में मॉडल क्लास कौन सी है, एल क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एल क्या होता है लोअर लिमिट, तो स्मॉल एल की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट कौन सी है 30, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 30। आगे बात समझ में? हाँ सबको, ठीक है। इधर देखो आगे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, तो ये हो गई आपकी F1, यानी F1 की वैल्यू हो गई 16। फिर F0 की बात की गई, F0 या F0 जो भी आप इसे बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी ये हो गई F0 0, 1, 2, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये हो जाएगी F0 की वैल्यू हो जाएगी 10। आसान है यार समझना। और 1 के बाद क्या आता है 2, तो F2 हो जाएगी ये वाली फ्रीक्वेंसी, क्या लिखा है F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगी आपकी F2, ठीक है। तो F2 की वैल्यू हो गई 12। क्या रह गया हमारे पास निकालना, एच यानी क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने कितने का गैप है क्लासेस में, क्लास में कितने कितने का गैप है। तो देखो कैसे निकालते हैं, एच होता है बेसिकली, एच होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 40 में से 30 घटा दे, किसी भी क्लास इंटरवल को ले लो, 40 में से 30 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 10, या पहले वाली क्लास इंटरवल ले लो 10 से 20, तो अपर लिमिट क्या है 20 और लोअर लिमिट क्या है 10, आंसर कितना आ रहा है 10, h की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्लास साइज 10। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, जो होता है बेसिकली h मैंने अभी बताया, अब दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, h होता है क्लास साइज, क्लास साइज कैसे निकलता है 20 में से जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करने पर। यहाँ पर आप कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, हमने अभी 20-30 वाला लिया या 10-20 वाला लिया, 40-50 वाला भी ले लो, अपर लिमिट में से 50 में से 40 को माइनस करोगे, क्लास साइज सेम ही आएगा पूरे क्लास इंटरवल्स के लिए, ठीक है। हाँ किसी कोई भी क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल को ही चूज कर लो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी क्लास साइज। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, मोड का फॉर्मूला हमारे पास है, हम वहाँ पर वैल्यूज पुट करें, एल कितना है 30 प्लस F1 कितना है 16 माइनस 10 F0, ठीक है, अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 16 माइनस 10 माइनस 12 इंटू एच कितना है 10। अब इसे मैं आपको बताती हूँ बेटा, गलती कहाँ होती है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, हर कोई कर लेगा क्लास में जिसने समझ लिया अच्छे से, गलती करते हो आप लोग कैलकुलेशन में, वहां आपके नंबर कटते हैं, शुभ ध्यान देना जरा इधर, ठीक है। तो मिस्टेक से बचने के लिए आपको इसे सॉल्व कैसे करना है बताती हूँ, इसको तो आप अलग ही रखो क्योंकि जो आपका आंसर आएगा वो 30 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर है ना L, ये इसके आसपास ही आपका आंसर आएगा, 30 की रेंज में आएगा बेसिकली मोस्टली, ठीक है। तो इसको तो आप अलग ही रखो, आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले ऊपर वाले जो दो नंबर है इनको माइनस कर देंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड नंबर 42, और उसके बाद इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को आपस में जोड़ो, 10 और 12 भी जोड़ोगे कितना आएगा कैसा माइनस का ट्वेल्व, ये इसी सीक्वेंस में करना है सॉल्व, हमेशा क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगी, 32 माइनस 22 और इंटू 10, अब क्या करना है आपको, अब इसे माइनस करना है, तो 30 प्लस 6 अपॉन 32 माइनस 22 10 और इंटू में क्या है 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, बचा क्या आपके पास 6 बचा, तो 30 प्लस 6 कितना आंसर आया, ये
आपका फाइनल आंसर आ गया होम का 36। रोलर समझ में आया सबको? और ये भी पता चलिए किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, इस सीक्वेंस में सॉल्व करोगे जल्दी भी होगा बिना गलती भी होगा, ठीक है? तो नोट कीजिए बेटा इसे, नोटबुक में नोट कीजिए। और यहाँ से आप ये देख लो कि मोड हमारा आया भी उसी रेंज में है जिस रेंज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है? सेंट्रल टेंडेंसीज का मैंने आपको रूल बताया।